ये क्वेश्चन है थ्योरम 8.45 सॉरी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ का थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। और इस थ्योरम में बेसिकली ये कहा गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल का मतलब आमने सामने, यानी ए के अपोजिट सी हो जाएगा, बी के अपोजिट डी हो जाएगा, तो ए पे बना हुआ एंगल ए हो जाएगा और सी पे बना हुआ एंगल सी हो जाएगा, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है और हर पेयर की बात कर रहा है। हर पेयर का मतलब हो गया कि इसके सामने ये और इसके सामने अगर ये अपोजिट एंगल्स का हर पेयर अगर इक्वल हो जाए यानी कि बराबर हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। सवाल ये, इसी सवाल को एनसीईआरटी ने क्या है कि एक अलग तरीके से बनाया। एनसीईआरटी ने क्या किया कि बोला कि आप क्या करिए कि एसी को मीट कर दीजिए और बीडी को मीट कर दीजिए और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप मान लीजिए कि वो ओ है और ओ से ए को मेजर कर लीजिए और ओ को सी से मेजर कर लीजिए तो ये बराबर हो जाए। लेकिन मैं इस सवाल के मदद से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा होगा कि अगर आप इसको अगर मेजर करेंगे, मेजर करने की पूरी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप इसको मेजर कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं जो थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो इसको मेजर करने के लिए आपको पेंसिल की मदद पेंसिल और पेन की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या दूसरा कोई तरीका है जिससे भी हम इस अप्रोच तक पहुंच सकते हैं? वो तरीका हम एक नए तरीके से हमने इस चीज को फाइंड आउट किया। तो बिना इसकी मदद से, बिना पेंसिल पेपर की मदद से हम इस चीज को प्रूफ करें कि वाकई में ये पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। लेकिन हमने कंग्रुएंसी वाला भी कंडीशन इसमें लगा करके देखा बहुत टाइम तक अभी, लेकिन यहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा। तब हमने क्या किया, एक नया ट्रिक अपनाया, ये कि मान लेते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, इस चीज को तो हमें प्रूफ करना ही है, तो हमें सबसे पहले दिया क्या है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। अब प्रूफ, प्रूफ मतलब यहाँ से प्रूफ का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल ए को हमने एक्स मान दिया तो एंगल ए और एंगल सी बराबर है। ये दिया हुआ क्वेश्चन है कि अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल होना चाहिए, तो अपोजिट एंगल्स का हर पेयर इक्वल है यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो एंगल ए को अगर एक्स मानेंगे तो एंगल सी भी एक्स हो जाएगा, एंगल बी को अगर हम वाई मान लेंगे तो एंगल डी भी वाई हो जाएगा। अब हम एडी लाइन को क्या किया, हमने इस एडी लाइन को एक्सटेंड कर दिया ई तक, कहां तक, ई तक हमने आगे करके ले गए। अब ई तक एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जहां भी बनता है और बीच में एक एंगल अगर लाइन आकर के उसको इंटरसेक्ट करे उस स्ट्रेट लाइन को, तो ये दोनों एंगल अगर एक्स है और वाई है तो x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर की मदद से। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे कि अगर ये y है तो ये 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा, वही लिखा एंगल सी डी ई यानी सी डी ई प्लस सी डी ए मिल करके 180 डिग्री हो रहा है, तो अगर ये y है तो ये 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा। यहाँ इसको हमने थ्योरम इक्वेशन वन मान लिया, ठीक है, इक्वेशन वन मान। अब हम क्या करते हैं, एक चीज हमको ये भी पता है कि देखिए क्वाड्रिलेटरल का आपने जो बेसिक थ्योरम पढ़ा, जो हमने इसे पिछले वीडियो में हमने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, तो बेसिक प्रॉपर्टी में हमने एक चीज पढ़ी थी शुरुआत में ही कि सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो एक्स वाई दो बार एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई बराबर हो जाएगा 360। अब दो से 360 गया तो 180 यहाँ से बच गया, एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स और वाई को ऐड करके आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एक्स निकाल रहे हैं तो 180 डिग्री माइनस वाई। अब वही आसान, इसको हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी करें, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देने से यहाँ पे ये चीज हो जा रहा है कि एक्स और वाई में रिलेशन आ जा रहा है, इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन आ जाएगा,
और हमेशा इस एंगल एंगल में रिलेशन आएगा, तो अब हम क्या पहुंच जा रहे हैं, नए अप्रोच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो नया अप्रोच ये है कि x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस y के बराबर, यानी इसकी वैल्यू आ गई अब यहां से 180 डिग्री माइनस y के बराबर। अब ध्यान से देखो कि ये भी एंगल 180 डिग्री माइनस y और ये भी एंगल 180 डिग्री माइनस y, तो हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल DAB बराबर है किसके, यानी x बराबर है एंगल CD के, यानी दोनों बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल CDE बराबर है x के, यानी समझ रहे हैं आप, यानी ये जो एंगल है बाहर वाला, ये एंगल जो 180 डिग्री माइनस y निकला है और ये भी एंगल 180 डिग्री माइनस y निकला, यानी x के बराबर है। और ये पॉसिबल कब हो सकता है, आपको पता है कि जब दो लाइन इस तरह से हो कि एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करे और ये एंगल यानी करस्पोंडिंग एंगल समझो, इस लाइन के ऊपर इस साइड में, इस लाइन के ऊपर इस, यहाँ पे आपको ये प्रूफ हो गया कि करस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल है। जब करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन जो है ऑटोमेटिकली पैरेलल होता है, तो ए बी जो है डी सी के पैरेलल हो जाएगा, यानी ये इसके पैरेलल हो जाएगा, उसी तरीके से सिमिलरली ये भी जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी बी सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए डी के। तो अब दोनों अपोजिट साइड्स का पेयर अगर एक दूसरे के पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल हो गए, इसलिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो जाए। थैंक यू।